आईपीएल 2023 आरआर बनाम एलएसजे इन सीजन का 26वां मैच में लखनऊ की 6 मैचों में यह चौथी जीत है। दोस्तों बताएंगे विस्तार से, बस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके पहले संजू सैमसन और केएल राहुल में कौन है बेस्ट कप्तान, कमेंट करके जरूर बताना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियो में 4 साल बाद बुधवार को आईपीएल की आपसी हुई, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद लखनऊ के पहले काइल मेयर के साथ 42 गेंदों पर 51 रन बनाकर 7 विकेट पर 154 रन का स्कोर बनाया। जवाब में राजस्थान केवल 144 रन ही बना सका, जिसमें आवेश खान गेंदबाजों की पसंद के रूप में उभरे। 25 के लिए 3 के आंकड़े के साथ वापस लौटे। 6 मैचों में चौथी जीत, विशेष रूप से एलएसजी के धीरे धीरे पहले 6 ओवर में केवल 37 रनों का प्रबंध करना शुरू किया। यहां तक कि ऑनलाइन आलोचना भी हुई। हालांकि जैसा कि यह निकला, शायद उन्हें पिच का माप जल्द ही मिल गया था और अंततः उन्होंने खुद को एक लड़ाई के साथ एक अच्छा मौका दिया। मेयर के अर्धशतक के अलावा केएल राहुल ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए। हालांकि यह वास्तव में निकोलस पूरन के 20 गेंदों पर 29 रन और टाइनोसिस के 16 गेंदों में 21 रन के योगदान से कम था। जवाब में राजस्थान रन चेंज में था, खासकर जिस तरह से उन्होंने यशस्वी जसवाल और जोश बटलर के साथ शुरुआती विकेट के लिए 87 रन जोड़े। हालांकि जसवाल का विकेट संजू सैमसन के रन आउट और बटलर के आउट होने के बाद लखनऊ के लिए चीजें खुल गई। अंत में देवदत्त पड़िक्कल ने कड़ी मेहनत की और लखनऊ को भी अंतिम ओवर के लिए 30 यार्क सर्कल के अंदर एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक को मैदान में उतरने के लिए एक क्षेत्ररक्षण जुर्माना लगाया गया, लेकिन आवेश खान ने एलएसजी को जीत का स्वाद चखने दिया। लखनऊ और राजस्थान दोनों अब 6 मैचों में 4 जीत के साथ अंकों के साथ बराबरी पर हैं, लेकिन राजस्थान का रन रेट लखनऊ +.709 की तुलना में +.143 का बेहतर है, जो उन्हें अंक तालिका के सबसे ऊपर रखता है। ऐसे में बता दें दोस्तों कि संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन बाकी टीमों के मुकाबले काफी अच्छा रहा है। टीम 5 मैचों में से 4 जीतकर 8 अंकों के साथ टॉप पर है। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।